हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं हूँ स्वाति आपके साथ। मैं हूँ संदीप आपके साथ। और चलिए आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अमिताभ बच्चन जी का ये वीडियो है। अमिताभ बच्चन जी का मुस्लिम बहन अमिताभ बच्चन जी को हैरान कर दिया उन्होंने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, आपकी खिदमत में एक ऐसा वीडियो लेके हाजिर हुए हैं जिसने KBC में बैठे सब लोगों को हैरान कर दिया। मरियम सिद्दीकी की तरबियत और बातों को सुनकर खुद अमिताभ बच्चन भी बेख्तियार कहने लगे कि मैं आपके अल्फाज गुफ्तगू और सोच के आगे छोटा पड़ गया। आखिर इस मुस्लिम लड़की मरियम सिद्दीकी ने KBC की स्टेज से अपने वालिदैन की कौन सी ऐसी तरबियत लोगों को सुनाई, वो आप इस वीडियो में देखिएगा। धर्म को लेके बहुत झगड़ते हैं। शायद जैसे कि वहाँ कोने में कोई रेलवे स्टेशन पे एक बच्चा बैठा होगा और उसको चोट लगी, कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन आज मुझे इतना डर है कि कहीं आगे जाके, आज जितना धर्म को लेके उठते हैं सब, तो मुझे डर है कि अगर आगे जाके कोई ऐसा बच्चा पड़ा हो तो कोई उसको कल उससे धर्म ना पूछे कि तू मुसलमान है या हिंदू है। अगर उससे वो पूछा गया तो शायद आगे जाके कोई उसकी मदद नहीं करेगा। ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोई बहुत बड़ा ज्ञानी कोई संत को भाषण दे रहा हो। 13 वर्षीय ही है, आपकी उम्र में जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब कोई कॉमिक बुक पढ़ेगा, कोई मैगजीन पढ़ेगा, कोई ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं। आपके अंदर ये कैसे तय हुआ कि हमें आध्यात्मिक किताबों की तरफ ध्यान देना? ये चीज मैंने मॉम डैड से सीखी है जो वहाँ बैठे हैं और जिन्होंने आज मुझे ये संस्कार दिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे संस्कार मुझे मिले आज बाकी लोगों को भी मिले, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, वो कहीं रुकने वाली नहीं है, लेकिन साथ साथ जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। कद में आपसे बड़ा हूँ, उम्र में आपसे बड़ा हूँ, आज अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ आपके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। दोनों सचों में आपको बताना चाहता हूँ कि मरियम आरिफ सिद्दीकी को अगर आध्यात्मिक किताबों में रुचि हुई है तो इसकी वजह है इनके रोल मॉडल की, और इनके रोल मॉडल हैं इनके पिता श्री जनाब आरिफ सिद्दीकी साहब। मैं बहुत बहुत हार्दिक आपका स्वागत करता हूं आरिफ। आरिफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब मरियम को भगवत गीता चैंपियनशिप का विजेता चुना गया, आपको कैसा लगा उस समय? जब मरियम 8 साल की थी, सेंट जेवियर्स में पढ़ती थी, एक सवाल इन्होंने मुझसे किया था कि डैडी हमारे क्लास में हिंदू बच्चे ज्यादा हैं, मुस्लिम बच्चे कम हैं। तो जब इसमें जिक्र किया तो वो मेरे ऊपर एक दिमाग के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर हुआ कि 8-9 साल की उम्र है और हिंदू और मुस्लिम का फर्क कहां से समझ में। तब से मैं बड़ा चिंतित हो गया मरियम को लेकर। तब से मैंने इनको सभी ग्रंथों के बारे में जानकारी देना शुरू किया। मेरा अपना मानना यह है कि हम धार्मिक बाद में बने, पहले इंसान बने, और हम कोई भी धर्म पाल रहे हैं अपने घर के अंदर। मैं इस्लाम का फॉलोअर हूं, मेरे घर के अंदर जब मैं दरवाजे से बाहर निकलूं तो मेरे साथ एक धर्म होना चाहिए, वो इंसानियत का। वही मैसेज मैं मरियम के साथ देना चाहता हूं। और मैं ये जानता हूं कि मुल्क बहुत बड़ा है और ये आवाज मेरी बड़ी छोटी है, लेकिन जिस तरीके घर में छोटे बच्चे की आवाज सबसे तेज होती है, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये आवाज एक वक्त तेज होगी और भी मां बाप अपने बच्चों को इसी दिशा में लेके जाएंगे। ओ मरियम सिद्दीकी का जो भी बयान था वीडियो, मतलब सॉरी, इस छोटे बच्चे ने जो भी कहा बहुत दिल को छूने वाला था। और इन्होंने सही कहा कि इनकी उम्र में हम तो टॉयज वगैरह देखते थे और किताबें वगैरह पढ़ते थे, लेकिन इन्होंने जो ग्रंथ भगवद गीता उन्होंने कहा ना, तो जो ग्रंथ बहुत छोटी मतलब बहुत बचपन में ही इन्होंने भगवद गीता पढ़ चुके है और ये मुस्लिम है, धर्म के है, तो बहुत ही बड़ी बात है। और इनके माँ बाप ने भी इनको सिखाया है कि पहले इंसानियत का धर्म जो है वो पहले आता है, वो बहुत बड़ी बात उनके माँ बाप ने, उनके घर वालों ने उन्हें सिखाई है। और ये मुस्लिम धर्म से है तो उनसे हमें भी कुछ सीखना चाहिए। और ये इतने मतलब ये बहुत छोटी है हमसे भी, और फिर भी औहदे में वो हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है। और इनके विचार सुन के हमें भी ऐसा लग रहा है कि शायद हम भी ऐसा मतलब भेदभाव करते हैं कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इनसे कुछ सीखने जैसा हमें भी मिला है और हम भी कुछ सीखेंगे इनसे।
और आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताना, और कमेंट करके हमारे चैनल कमेंट करके हमें जरूर बताना, ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते ही रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।